बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जिया द क्रिएटिव शेफ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं लाहौरी चिकन चरगा, या कह लीजिए स्टीम रोस्ट। उसके लिए मैंने ले लिया 1.5 kg चिकन। होल चिकन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मैंने कट्स नहीं लगवाए थे। मैं आपके सामने ही कट लगाऊंगी, कट इंतहाई डीप लगाने हैं ताकि ये ज़बरदस्त सा हमारा रोस्ट तैयार हो। सबसे पहला स्टेप जो है चिकन की ब्राइनिंग करना है, लेकिन उससे पहले मैंने चिकन को लाइट सा वॉश कर लिया था। अब जो मैं स्टेप हमेशा आपको पहला कहती हूँ, स्टेप किया कीजिए ब्राइनिंग का, ताकि चिकन अंदर तक जूसी और टेंडर बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन की ब्राइनिंग करना। एक बड़ी से पतीले में मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन ये होगा 1 से 1.5 जग। ठीक है, इसमें जा रहा है 1 टेबलस्पून ज़ीरा। हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 टेबलस्पून धनिया के। खुश धनिया हमने ऐड किया है, साबुत पिसा हुआ नहीं यूज़ करना। साथ ही हम यूज़ कर रहे हैं 1 टेबलस्पून सौंफ। हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून भरी हुई नमक। के साथ इसमें जाएगा सिरका 3 से 4 टेबलस्पून। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, 1 से 2 बॉयल आने देंगे अच्छी तरह। उसके बाद हम पानी ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पानी ठंडा हो जाए, और इसके बाद हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे और 1/2 आवर के लिए इसके अंदर रहने देंगे। उसके बाद चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे और मैं तमाम स्टेप प्रोसेस जो है आपको दिखाती हूँ। पानी को अच्छी तरह बॉयल आ चुके हैं, अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अगर आप बॉयल किए बगैर ही ऐड करना चाहें, जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस तरह बॉईल करके भी इसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, जब ये ठंडा हो जाए, मतलब कुनकुना पानी जिसे कहते हैं, लाइट सा गर्म हो, तो उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और यकीन मानिए चिकन बहुत बहुत ज़्यादा जूसी बनता है और मज़ेदार बनता है, कि क्योंकि इसमें ऐड करने से जो नमक है वो अंदर तक सोख हो जाता है चिकन के, और बहुत टेस्टी बनता है। पानी हमारा अब गर्म है, ठीक है, लाइट से गर्म है। अब चिकन को उठा के मैं इसमें डिप कर दूंगी 1/2 घंटे के लिए। होल चिकन है, इसको उठा के मैं इसमें डिप कर देती हूँ 1/2 घंटे के लिए, ठीक है, ताकि इसकी अच्छे से सफाई हो जाए और ये ब्राइन हो जाए अच्छा सा। तकरीबन 1/2 घंटा हो चुका है, चिकन हमारा डिप हो हुआ है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कट कैसे लगाना है। चिकन हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें कट लगा लेंगे। बिल्कुल डीप करके आपने कट लगाने हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितने कट डीप तक है, ठीक है, सारे सेम। इसी तरह फुल चिकन पे आपने कट लगा लेने हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन में कितने मैंने डीप कट लगाए हैं, ठीक है। सेम यही चिकन को उल्टा करके और इसकी लेग्स पे भी मैंने ऐसे ही कट लगा लिए डीप डीप, ताकि जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो मसाला जो होगा मैरिनेशन का वो अच्छी तरह अंदर तक चला जाए, और जब हम इसको रोस्ट करेंगे और ये ज़बरदस्त सा हमारा रोस्ट तैयार हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं मसाला बनाना, जिसे हम चिकन को मैरिनेट करें। बाउल में मैंने 1/2 कप दही ले लिया, साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये एक ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा इसमें। 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट। साथ ही साथ इसमें जो मसाले हम ऐड करेंगे उसमें 1/2 टीस्पून नमक, नमक हमने ब्राइंडिंग करते हुए यूज़ किया था, और टिक्का मसाला में भी नमक है, इसलिए मैं नमक सिर्फ 1/2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ जा रहा है 2 टीस्पून इसमें टिक्का मसाला, ये होममेड टिक्का मसाला है, इसकी रेसिपी मैं आपको शेयर कर दूँगी। साथ जा रही है 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही भर के सुर्ख मिर्च। साथ जा रहा है 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर। इन सबको मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ,
और अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर नहीं है, मस्टर्ड पेस्ट नहीं है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ना मैंने इसमें सिरका ऐड किया है और ना ही इसे मैंने लेमन जूस ऐड किया है। जब लेमन जूस मैं तब ऐड करूँगी जब मैंने इसको रोस्ट करना होगा। रोस्ट करने से हाफ आवर पहले मैंने इसको फ्रिज से निकाल के रख लेना है। और आपको मैं यहाँ पर बात बताती चलूँ कि 2 घंटे या आप 6 घंटों के लिए रख देंगे तो चिकन अच्छे से मैरिनेट नहीं होगा, ये होल चिकन है। अगर आप जिस तरह रेस्टोरेंट्स में या बाज़ार से मिलता है वैसे जूसी चिकन खाना है या बनाना है तो आपको लाजमी ओवरनाइट या 24 एटलीस्ट आपने 12 आवर या 24 आवर्स के लिए इसको मैरिनेट करके रख देना है। ये सबसे लाजमी बात है कि आपने इसको मैरिनेट करके कम अज़ कम 12 घंटे या 24 घंटे रखना होता है ताकि ये अच्छे से जूसी से और ज़बरदस्त बने, ठीक है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर ही और थोड़ा सा रेड फूड कलर ताकि बिल्कुल ज़बरदस्त सा कलर आ जाए इसमें। मैंने इसमें जस्ट 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है और 1 पिंच ही रेड कलर ऐड किया है। ये जो कलर आ गया है सेम वैसे ही कलर आएगा रोस्ट होने के बाद जैसा आपको बाज़ार से मिलता है, वो यही कलर यूज़ करते हैं और अप्लाई करते हैं इसको चिकन पे। अब हम भी अच्छे से चिकन को इसके अंदर मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को मैंने बाउल में रख लिया है, अब मैं इसको अच्छे से मसाज करूँगी, ठीक है। जितना अच्छा इतना इसका मसाज होगा उतना इसके अंदर अच्छे से मसाला जाएगा। हमने बिल्कुल अच्छे से मसाला इसके अंदर अंदर तक लगाना है, ठीक है, बिल्कुल अंदर तक इसका मसाला जाए। जितना अच्छा इसका मसाला लगेगा, और मसाला पतला नहीं होना चाहिए वरना ये बेहतर रहेगा। हमने कोशिश करनी है मसाला घना ही रहे। अगर आपके पास पानी वाला दही है तो आप पानी निकाल दें और फिर वो दही यूज़ करें। फुल चिकन को अच्छे से ज़बरदस्त सा मसाज करना है। चिकन का मैंने अच्छे से मसाज किया है और सारा जो मसाला था मैंने इसकी कोशिश की है कि बिल्कुल अंदर तक चला जाए, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं किया। और सारा मसाला इसके लेग्स पे और फुल होल चिकन पे, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पे ना लगा हो, फुल अंदर तक आप देख सकते हैं कि अंदर तक मैंने इसको फिल कर दिया है मसाले को, ठीक है। ये देखिए फुल अंदर तक मसाला इसमें भरा हुआ है ताकि जब रोस्ट होगा ये चिकन तो ये अंदर तक ज़बरदस्त सा पक जाएगा। और कलर भी आप देख सकते हैं इसका रेडिश ऑरेंजिश है। जब ये रोस्ट होगा बिल्कुल ऐसे लगेगा ये बाज़ार से हमने किसी होटल से ख़रीदा है, और ये आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील होगा कि आपने घर में बनाया है, बल्कि उससे ज़्यादा टेस्टी होगा क्योंकि हम इसको एटलीस्ट 12 घंटों के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 24 आवर्स के लिए इसको रखिए और उसके बाद आप देखिए कितना ये ज़बरदस्त और जूसी, और जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ करेगा कि ये कितना ज़बरदस्त चिकन बना हुआ है, ठीक है। आप इसको किसी एयर टाइट बर्तन में या क्लिंग रैप की मदद से सील करके फ्रिज में रख लीजिए, और जब आपने रोस्ट करना होगा उससे 2 घंटे पहले हम निकालेंगे इसको और उसके ऊपर लेमन जूस थोड़ा सा वो स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद इसको हम रोस्ट करेंगे ओवन में। तकरीबन 13 से 14 घंटे हो चुके हैं, हमने मैरिनेट करके रख दिया था चिकन को, और अब मैं ट्रांसफ़र करूँगा इसमें पैन में चिकन को, और साथ इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे लेमन जूस 2 से 3 टेबलस्पून। मैंने चिकन को पैन में ट्रांसफ़र कर दी है जिसे मैं इसको बेक करूँगी, और अब मैं इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है लेमन जूस भी ऐड करूँगी फुल चिकन पे, और ये इसी में पकेगा। अब हम चिकन की दोनों टांगें पकड़ के बांध देंगे, और हमारा जो मसाला था उसे पानी नहीं छोड़ा क्योंकि मैंने दही का पानी पहले निकाल लिया था, और आपने भी सेम यही प्रोसेस करना है। अब हम दोनों टांगें इस तरह बांध देंगे ताकि मुर्गी भागे नहीं, इसलिए नहीं बांध देंगे बल्कि इसलिए बांध देंगे हम जिस शेप में अभी इसको रखेंगे वैसे ये बेक होने के हमारे के बाद हमारे पास आएगा। बांध दिया है मैंने अच्छी तरह, गिरन लगा दी है सही टाइट करके,
और जब बेक होगी तो ये ज़बरदस्त सी शेप में होगी, वरना इसकी टांग ऐसी खुली होगी। ठीक है, चिकन को हम बेक होने के लिए रखते हैं। मैं रोटिस्ट्री यूज़ नहीं कर रही, जस्ट जैसे सिंपल आप पतीले में या ऐसे किसी डिशके में बेक करेंगे वैसे ही मैं ओवन के अंदर रख दूँगी। सेम वैसे ही पतीले को आपने पहले प्री हीट करना होगा, और मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था पहले 15 मिनट के लिए, और अब मैं चिकन उसमें रखने जा रही हूँ। चिकन को मैंने ओवन के अंदर रख लिया है, पहले 10 मिनट आँच फुल रहेगी, उसके बाद आँच को मीडियम कर देंगे। और ये ओवन तो तकरीबन सबके घर ही मौजूद होता है, कुकिंग रेंज जिसको बोला जाता है, और ये मैं आपको उसी में बता रही हूँ। और आधे घंटे में हमारी चिकन रोस्ट होकर तैयार हो जाएगी। चिकन को मैंने रोस्ट होने के लिए रख दिया ओवन में, अब साथ ही जो सर्व की जाती है चटनी स्पेशल किस्म की वो बनाते हैं, और वो मैं ब्लेंडर में नहीं बना रही, लंगड़ी घोटना यूज़ कर रही हूँ। और उसके लिए मैंने ले लिया है 1 लहसुन का जवा, थोड़ी सी अदरक, ये हाजमे के लिए अच्छी होती है और जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और साथ ले लिया है पुदीना, थोड़ा सा पुदीना लिया है, और साथ ही 1/2 कप तकरीबन मैंने धनिया ले लिया है। आप स्टार्ट करते हैं चटनी बनाना। इसे मैं चिली यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये लाइट सी चटनी बनाते हैं, इसके साथ चिकन जब स्पाइसी होगा तो साथ हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और अच्छी तरह मैं कूट लेती हूँ, साथ ही जाएगा थोड़ी देर बाद हम इसमें नमक ऐड करते हैं। अदरक लहसुन को मैंने अच्छी तरह कूट लिया है, अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पुदीने के पत्ते, अच्छी तरह वॉश कर लिए थे हमने, और अब इनको कूट लेते हैं अच्छी तरह। साथ ही हम धनिया ऐड करते हैं और धनिया को अच्छी तरह पीस लेते हैं, कूट लेते हैं, और फिर इसके बाद हम नमक ऐड कर देंगे और साथ दही इसमें जाएगा। अगर आपको अजवाइन पसंद है तो चुटकी सी वो ऐड कर दें, चटनी का मज़ा दोबारा हो जाएगा। और साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, और जस्ट थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और साथ में दही ऐड कर देंगे, और हमारी चटनी ज़बरदस्त ही तैयार है। ये आप पकौड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और कोई भी चिकन रोस्ट हो या ऐसे भी आप खाने के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त लगती है और हर चीज़ का मज़ा ये दोबारा कर देती है। चटनी हमारी रेडी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दही जितना ऐड करना चाहो कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी चटनी चाहिए तो आप 2 ग्रीन चिली इसमें ऐड करके कूट सकते हैं, और ज़बरदस्त सी चटनी रेडी है। जिस चीज़ के साथ इसको सर्व किया जाए उसका जो टेस्ट है वो दोबारा हो जाता है, और बहुत ज़बरदस्त चटनी है ये, आप इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा। चिकन हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूंगी ताकि ठंडा हो जाए, और इसको फिर ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अगर आप ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको फ्राई करूंगी। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है इसका कलर आया है रोस्ट होने के बाद, जस्ट ओवन में ही इसका प्यारा सा रेडिश ऑरेंजिश कलर सामने आ चुका है। ठीक है, और आप थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए उसको, इसके बाद ऑयल गरम करके उसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आधा घंटा हो चुका है और चिकन अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, अब मैं उसको फ्राई करने के लिए गरम गरम ऑयल मिलाऊंगी। प्याज भी डाला है आपने, फ्लेम हाई है, और अभी 2 मिनट बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी, और 5 मिनट बाद हमें इसकी साइड मिक्स करनी है। अच्छे से मैंने ऑयल से निकालने के बाद इसका ऑयल जो था वो थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि जो मेरा किचन टॉवल है ऑयल सोक कर ले। और अब आपके सामने है चिकन रोस्ट रेडी है, आप इसको देखिए और रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिए, और आप कहेंगे वाकई में कोई चीज़ बनी है, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बहुत ज़बरदस्त है, और मेहनत तलब काम भी नहीं है। अगर आप कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते तो सिंपल सी इंग्रेडिएंट है, या आप डायरेक्ट तिक्का मसाला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं होममेड चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, पैकेट की चीज़ें यूज़ नहीं करती। अगर आपने जल्दी में बनाना है तो आप डायरेक्टली चिकन तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐड यूज़ नहीं किया मैंने, कोई कॉर्नफ्लोर या मैदा कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। और मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त है, और ये अंदर तक जूसी है, और टेस्ट में भी उतना ही ज़बरदस्त होगा।
लास्ट में ट्राई कीजिए रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।